द्वार प्रभु काज रचाया गुरमुख व्याहुण आया हर प्रभु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी वाहे गुरु। ये है खरौदी पिंड पंजाब के होशियारपुर जिले का। यहाँ तकरीबन 75% घरों से लोग विदेश प्रवास यानी माइग्रेट हो चुके हैं और जो नहीं गए वो इसी लालच में रहते हैं कि कब और कैसे वो भी विदेश प्रवास कर जाएं, अंग्रेजी साहब बन जाएं। बलवंत सिंह रियार का घर ऐसा ही एक घर है खरौदी में, जहाँ से अभी तक कोई भी विदेश नहीं गया। लो भी, लगता आज तो बहुत कुछ बनने वाला है, है? तो नहीं जी, बस आलू प्याज की भुर्जी बना रही हूँ आपके लिए। अच्छा वाह, ओ बलराज तुम्हें पता है हमारे पिंड खरौदी के 3/4 खानदान और बच्चे विलायत चलेंगे, अमेरिका या कनाडा। पता नहीं हमारी किस्मत कब खुलेगी, कब जाएंगे हम भी विलायत। आप बिना जी पीछे ही पड़ जाते हो, यहाँ अपना देश छोड़ के वहाँ विदेश में जाके खज्जर खुआर होने के। पता नहीं ये विदेश जाने का भूत क्यों सवार रहता है आप पे। ओहो, जब भी मैं विलायत जाने की बात करता हूँ ना, तुम बीच में पांजी मार देती हो। ओए पाली, कैसे रास्ता भूल गया यार हमारे घर का। आ देख अंदर आ बैठ। सत श्री अकाल प्रजाई जी। सत श्री अकाल पाली प्रजाई जी। बलवंत यारा, एक बहुत ही अच्छी खबर थी मेरे पास। सब तो पहले मैं तेरा ही सोचा, तो अपना पुराना यार जो ठहरिया। ओ अच्छा, कौन सी खुशखबरी है यार। ओफो, आप पीना जी बच्चों की तरह उतावले हो जाते हो। पहले प्राजी को लस्सी शस्सी तो पिलाओ। वो तो राज तेरा काम है ना, जा अंदर जा फटाफट लस्सी ले आ, और वो भी खोए वाली। हाँ जी हाँ जी, मैं अभी लाते हैं बना के। आजा ऐसे कोल आके दस, बता क्या खबर है। तुझे तो पता है ना कि मेरी सुनहरे की दुकान है और सारे कस्टमर्स पिंड के और जो पिंड से बाहर चले गए यानी कि अमरीका विलायत, सारे के सारे मेरे पास ही आते जेवरात खरीदने के लिए। और मुझे ये भी पता रहता है कि गहने कौन और किसके लिए बनवाए जा रहे हैं। तो अब बस वो जो ठंडी खुई वाली गली के पुलर साहब है ना, जो कनाडा चले गए हैं, वो कल शाम को आए थे मेरे पास। मुबारक हो नए ऑर्डर की। नहीं यार, लो परजाई भी आ गई। अब मैं सारी बात परजाई के सामने करूंगा। ठीक है ठीक है। अगर कोई आपसी बात चल रही है तो फिर मैं चली जाती हूँ। परजाई जी, कोई बात आपसे छुपी नहीं है, ये बात तो सबके लिए है। अब बैठो बैठो। ओए जल्दी बता यार पाली, क्या बात क्या है। परजाई, सतवंत सिंह पुलर कनाडा वाले, वो आए थे कल शाम को मेरी दुकान पर। वो अपने लड़के का ब्याह करना चाहते हैं। क्या नाम है उसका? हाँ, सतिंदर सिंह पुलर। मेरे से पूछ रहे थे कोई पिंड में कोई अच्छी पढ़ी लिखी कुड़ी है। तो फिर तूने क्या कहा? मैंने कह देता कि भाई सोच के बताऊंगा, और हाँ इसी बहाने मैंने उनसे मुंडे के बारे में सब कुछ पता कर लिया। तो क्या कहा जी उन्होंने? भाई ये पूरा परिवार टोरंटो में रहता है, मुंडा हाई स्कूल पास करके बड़े बड़े ट्रक चलाता है, अच्छी कमाई है, घर भी अपना है और खाते पीते लोग हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि दान दहेज सोना चांदी कुछ नहीं चाहिए उनको। और बहुत खूब। ओ पाली यार, और तू ना हमारी प्रीति की बात चला दे यार उनके साथ, बड़े सालों की मेरी तमन्ना पूरी हो जाएगी। मेरी बेटी प्रीति की शादी एक NRI से हो जाएगी और वो ना विलायत में बस जाएगी। यार मैं तुम दोनों से पूछे बगैर तुम्हारी कुड़ी के बारे में कैसे बात कर सकता था। जैसा आपको ठीक लगता है ना, आप वैसा करो जी। तो ठीक है जी, मैं उनको हाँ कर देता हूँ और ये भी कह देता हूँ कि कल ही रोके की रस्म भी अदा कर दे। रुको, मैं ना मुंह मीठा करवाती हूँ आपका, गुड़ लेके आती हूँ, फिर मिठाई तो मैं घर भिजवा दूंगी। और परजाई, अब मुझको इतना भी पराया ना करो, ये मिठाई और सोने के जेवर दोनों मेरी तरफ से। अच्छा मैं जाता हूँ और मैं आप सबको उनसे बात करके इसकी खबर कर देता हूँ। ठीक है ठीक है। दुल्हन मंगल तारा, दुल्हन मंगल तारा, गाओ गौरी। बहुत ही अच्छा ब्याह हो गया जी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आई एम फ्लाइंग टू टोरंटो टुनाइट। मैं आज रात ही टोरंटो जा रहा हूँ। ये सब कुछ बड़ा जल्दी हो गया जी, पर पहले तो आपने बताया नहीं। पर आप तो रिसेप्शन पार्टी की भी बात कर रहे थे। नहीं जी, वो ड्यू रहा। आई हैव सम वेरी अर्जेंट वर्क, मुझे बहुत जरूरी जाना है। यस जी, एक्चुअली डैड हैज टू गो, इट्स अर्जेंट।
और मैं इधर ही हूँ। प्रीति को हनीमून पे भी लेके जाना है। क्यों प्रीति? कब जाएगी जी कनाडा? रियाज साहब सतेंद्र यहीं पे है, मैं वहाँ जाके डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करा लेता हूँ। सतेंद्र ने वीजा फॉर्म डाउनलोड कर लिए हैं। व्हेन आई गो टू टोरंटो आई विल गेट एवरीथिंग डन। और अभी से अभी प्रीति बेटी से साइन करा लेते हैं। अभी कराओ जी साइन, अभी कराओ। ठीक है ठीक है। सब साइन हो गए। हाँ ये लो डैड, डैड इसे ना तुसी जाते ही प्रोसेस करवा देना। राजी हो, थोड़ी जल्दबाजी में शादी हो गई जी। हम तो पूरी रस्में भी नहीं कर पाए और ना ही पूरे रिश्तेदारों को बुला पाए। पर आपके यहाँ से भी कोई नहीं आ पाया, यहाँ तक कि बहन जी भी नहीं आ पाई। हम सब लोग आएंगे हमारी नू प्रीति को कनाडा ले जाने के लिए। अच्छा जी, सत श्री अकाल जी। साहब आप, आपको छोड़ाते हैं जी? छोड़ाते हैं जी। आप ना जी ना, आप लोग रहो यहाँ पे, हम लोगों की आजादी से रोज आप पार्टी करें। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। Cheers, Dad! Yeah. Congratulations, son, on an Indian wedding. Thanks, Dad. ये तो सब आपकी वजह से हुआ। तू कहता था ना कि इंडियन और वो भी पंजाबी लड़की से और पंजाब में शादी करनी है, तो हो गई तेरी इच्छा पूरी? Dad, अब तो सोच रहा हूँ कि हनीमून पे जाना है, तो एक्सोटिक लोकेशन पे आज ही निकल जाओ। That's your outlook. तुमको देखना है कि कहाँ जाना है और कैसे जाना है। आपका बेटा हूँ, सब कुछ मैनेज कर लूँगा। जा, प्रीति तुम्हारा इंतजार कर रही है। यस यस। और हाँ एक बात आप भी ध्यान रख लो, मुझे जल्दी उठाना मत, ठीक है? मुझे टोरंटो जाना है, सुबह तैयारी करनी है। ओके गो एंड एंजॉय सर। हैव अ सेफ राइड, ठीक है? मैं चलता हूँ, जाओ जाओ, एंजॉय सर। आप भी हैं? और एयरपोर्ट में थोड़ा आराम से। हो गया यार देखिए जी, पूरा एक महीना बीत गया हनीमून करते और आपके बापूजी ने अभी तक वीजा भी नहीं भेजा। नहीं यार, सब्र रख थोड़ा, सरकारी काम में वक्त लगता है। और मैंने कितनी बार मॉम एंड डैड को कॉल किया, तो क्या चाहती है दोबारा फोन लगाऊं? ना जी, मुझे आप पे सबसे ज्यादा भरोसा है। पर हैरत की बात तो ये है कि आपके बापूजी ने इस बार खर्चे के पैसे भी नहीं भेजे और मैंने भी अपनी बचाई हुई सारी रकम दे दी आपको। देख प्रीति, मैं कोई कमीना बंदा है? पाई पाई चुका दूंगा तेरे और तेरे बापूजी की भी। अरे वो तो बैंक ट्रांसफर में टाइम लग रहा है, ऐसे करके देरी हो गई, टेक्स टाइम। मैं शक करी जांदी बार-बार। मैं तो मरी जाऊं आप पे शक करो तो, ऐसा ना बोलो। ओ यार मरने दी गल ना कर, मैं तेरे बगैर जी पाऊंगा? मेरे पिता मेरी जान। अरे प्रीति, इतनी सुबह सुबह और वो भी बैग के साथ, वो की गल है पुत्रा? ठीक ठाक है ना पुत्र? आप दोनों भी ना बहुत ही कमजोर दिल के हो जी। अब क्या मैं अपने घर भी नहीं आ सकती मिलने? मुझे इतला कर दी होती मैं तुम आके ले जाता। तो बापू कौन सा दूर रहती हूँ, चार गली छोड़ के तो रहती हूँ मैं। सतेंद्र जी कहाँ है, कोई लड़ाई शड़ाई तो नहीं हुई ना? और माँ मेरी कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हुई इनसे, इनको एम्बेसी से फोन आया था तो ये सवेरे सवेरे दिल्ली निकल गए और फिर मैंने सोचा मैं घर में अकेली क्या करूँगी तो मैं आप दोनों के पास आ गई। ओए बहुत अच्छा किया पुत्र, चल आप अंदर जाके आराम कर। अच्छा मैं अंदर जाती हूँ। क्यों है उदास, क्यों है तू? इनका तीन हफ्तों से कुछ पता नहीं है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तू फिक्र मत, वो आ जाएंगे। तू कनाडा सतेंद्र जी के घर वालों से चेक कर। ये ठीक है, मैं पाली ताया को बोलती हूँ। अच्छा बता, शादी का एल्बम नहीं दिखाएगी मुझे? हाँ दिखाती हूँ, तू बैठ मैं लेके आती हूँ। ओके। बस एक दिन बीता, दो दिन बीते, हफ्ता बीत गया, ना ही सतेंद्र जी का कोई फ़ोन आया और ना ही इनका पता चला। कनाडा फ़ोन लगाया तो नंबर ही नहीं लगे, पता चला कि कोई ऐसा नंबर ही नहीं है। पाली ताया जी भी बहुत घबरा गए क्योंकि वो ही ये रिश्ता लेके आए थे। बहुत गमगीन माहौल था घर का, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, सब चुप, ना खाने की सुध और ना सोने की। गली में कोई हलचल होती तो सब बाहर की ओर भागते। मेरी आंखें टेलीफोन को देखते देखते पथरा गई थी, सब ना उम्मीद हो चुके थे। बापूजी, देखो यहाँ पे, इनका हाल देखो। वो एक ही हाल बनाया सतेंद्र जी, ओ कितने सी तुसी पूरा एक महीना। ओहो जरा बेचारी की हालत तो देखो, पहले इसको बिठाओ, चाय नाश्ता करवाओ, उसके बाद पूछ लेना जो भी पूछना होगा।
वो कई दिन से भरपेट खाना नहीं खिलवाया बदमाशों ने। देखो मेरा क्या हाल कर दिया है। बेटा इसको अंदर ले जा, तहाने धोने दे और फिर मिल बैठ के नाश्ता करेंगे। मैं ना पाली को भी बुला लेता हूँ। हाँ जी। वो बेचारा भी बड़े फिक्र से मारा जा रहा था। हेलो। हाँ जी। ओ पाली। ओ जी मैं आप सबको क्या बताऊँ कि क्या हाल हुआ मेरा दिल्ली में। मैं एम्बेसी पहुंचा ही नहीं कि वहां मेट्रो में किसी ने मेरा बैग छीन लेता। मेरे पास कुल 500 रुपए थे, बाकी सब कुछ डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट और वो पैसे जो बापूजी ने दिए थे वो सब लेके टूर पे आ। छड्डो जी, पैसे तो कनाडा से इसके परिवार वाले भेज ही देंगे। ना बेबे ऐसी बात नहीं है, मेरे बापूजी ना मेरी इस लापरवाही से बड़े नाराज हो गए। उन्होंने कह दी कि तू लोन ले, डाका मार, कुछ भी कर, पर अपनी फोर्टी को अपने खर्चे से ला कनाडा, बाकी वो वीजा भिजवा देंगे और मैं अपना पासपोर्ट कैनेडियन हाई कमीशन से बनवा लाया। बाकी तो जी आप सबको ही करना पड़ेगा। हम सबको करना? क्या मतलब, क्या करना पड़ेगा? कम ऑन पहली अंकल, पीटी का नया पासपोर्ट, हमारी टिकट्स और थोड़ा बहुत खर्चा पानी और पैदे लगते हैं ना। और आप लोग फिक्र ना करो, मैं होशियारपुर जलंधर जाके सब कुछ करवा लूंगा। आप मुझे पैसे दे दो। कोई कितने पैसे लगेंगे? देखो जी कुछ 8-10 लाख रुपए लगेंगे, मैं सस्ते में करवा दूंगा। ये कोई सस्ता है 8-10 लाख? पर इतने पैसे आएंगे कहाँ से जी? और देख लो जी आप लोग, और जी मैं अपने लिए तो मांग नहीं रहा, मुसीबत आन पड़ी आप लोग जानते हो। पाली बलराज, दहेज भी नहीं इन्होंने लिया, शादी पे ज्यादा पैसा भी नहीं खर्च हुआ, घर में पैसे तो है ही, मैं सोच रहा इसको पैसे दे ही देते। ठीक है बलवंत। देखो सतेंद्र जी, 8-10 लाख की जगह ना मैं तुम्हें 15 लाख रुपए दूंगा, लेकिन याद रखना ये पैसे मैंने गहने गिरवी रख के लिए हैं। तू ना अभी कल ही चले जाओ और मेरी बच्ची को फटाफट कनाडा ले जाओ। अच्छा जी। ओ जी मैं आज ही रात निकल जाता हूँ जलंधर के लिए, आप ना मेरे को कैश दे दो जी। अच्छा तू रुक, तू बैठ। अच्छा। मैं लेके आती हूँ। ठीक, मैं बैठ, बैठ, देख बेटा सतेंद्र, अभी कोई गलती ना करना बेटा। ओए पाली यार, मुझे ये फिक्र लग रहा है कि कहीं ये लड़का गड़बड़ ना कर। बलवंतिया आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करो, मैंने अपनी दुकान का एक बंदा उसके साथ लगा दिया है उस पर नजर रखने के लिए। यार ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। हेलो हेलो, तू कहाँ हो तुम दोनों? क्या और दिल्ली कैसे पहुंच गया, तो मुझे बताया क्यों नहीं? क्या मौका? ओए तो उसको कह देता कि मुझे लगी और तू मुझे फटाफट फोन कर देता है। अच्छा तू ऐसे कर, फटाफट एयरपोर्ट पुलिस को रिपोर्ट कर। हाँ और मैं तुझे दोबारा फोन करता हूँ और मेरे फोन का इंतजार कर, फटाफट उठा लेना है। बलवंतिया हमें फटाफट जलंधर चलना होगा, वहां पर पुलिस का NRI सेल है, वो सतेंद्र बदमाश मेरे बंदे को धोखा देके और सारा का सारा पैसा लेके कनाडा टूर गया। थोड़ा सब्र करो, सोचो ये हमारी लड़की का मामला है, जवाई है वो हमारा। अगर उसकी रिपोर्ट हमने पुलिस में करवा दी ना तो प्रीति के कनाडा जाने के सब रास्ते बंद हो जाएंगे। पर प्रजाई हम हाथ में हाथ तरे भी तो नहीं बैठे रह सकते ना, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हाँ हाँ प्राजी, आप ऐसा करो आप उसके पापा को फोन लगाओ कनाडा। फोन पर अभी तो वहाँ रात होगी। ओए यार तू हमने लगा यार, मैं हमने फोन कर रहा। हेलो जी, जी सत श्री अकाल जी, जी आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी, अभी वहाँ रात है, 6-7 घंटे के बाद फोन करो। चंगा जी ठीक है, मैं बाद में आपको फोन करता हूँ, तो ये बोला था ना कि अभी वहाँ रात है। कोई बात नहीं प्राजी, ठहर के फोन कर लेंगे हम। और प्रीति तू फिक्र ना कर बच्चे, तुझे ना हम कनाडा पूरी इज्जत से भेज के दिखाएंगे। तो ठीक है भरजाई, मैं चलता हूँ और से रात को मैं बात करता हूँ, फिर मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। ठीक है तो ठीक है, ठीक है, सत श्री अकाल। यार तू ही लाया था ना ये रिश्ता, कैसी यारी निभाई है यार तू। यार बलवंतिया ऐसा ना बोल, प्रीति तो मेरी भी बच्ची है। आप दोनों की मत मारी गई है जी, अगर आप दोनों आपस में ऐसे लड़ते रहोगे तो फिर हमारी प्रीति को इंसाफ कौन दिलाएगा? पाली ताई आप कुछ करो, मेरा तो घर से बाहर निकलना ही नामुमकिन हो गया है, हर कोई पूछता है कहाँ कहते रहना रहे,
कहाँ गया तेरा कैनेडियन? हाँ जी, बहुत शर्म आती है, सब ताने मारते हैं। पैसे तो गए गए, बच्ची भी हमारी यहीं की यहीं रहेगी। भरजाई बलवंतिया, तुझे बिल्कुल फिक्र ना करो, मैंने कनाडा में अपने कुछ कस्टमर्स को फोन कर दिया है कि वो इस प्यो पुत्र का पता लगाए। नहीं छोड़ूंगा इन दोनों को मैं सच कहता हूँ, रब दी सो मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। मैं कभी नहीं कहता था। ती बेटा देख, कुरियर वाला कुरियर दे गया है, कहता शायद कनाडा तो आया है। देख पुत्र, वाहेगुरु पर आ करे अच्छी खबर ही होवे। खोलो बेटा, देखो। हाँ देखो प्रीति, की होया पुत्र? जल्दी दस, मेरा ते दिल्ली बैठा जा रहा है। तलाक की धमकी दी है, कहंदे मैं की गल बात करो, आपकी लड़की पे गैरत है, सारे पिंड में बदनाम है, हमको नहीं बुलानी प्रीति, नहीं तो 15 जर्सी गाय चाहिए। ओ मेरी अतिए, आग लगे इना कनाडा वाले नु ते इना नाराइयां नु, इन्होंने मेरी बच्ची नु धोखा दिता, इन्हों सारे दा बुरा हाल होएगा, कोई नहीं बचेगा, कुछ ना रहे इन्हों दा। बलराज मिल बैठ के कोई उपाय कर दे, ऐदा नहीं तड़पन देंगे असि अपनी प्रीति नु। पर ये जर्सी गाय के बारे में क्या बात कर रहे थे? ओ कमलिए भोलिए, 15 जर्सी गाय मतलब 15 लाख रुपया। सौदा कर रहे थे ये मेरी बच्ची का, कमीने पहले इतना कुछ ले जा चुके हैं यहाँ से। अच्छा चल अंदर चल, इतने शोर ना कर, नहीं तो गुआंढी आ जाएंगे बाहर ते तमाशा करेंगे। तमाशा तो हम बन ही गए बाबू। ओए पाली, हुण आपां की करिए यार, असीं ते लुटे गए, साढ़े ते पैसे भी गए ते साड़ी कुड़ी भी घर बैठी रह गई। और यार ये हरामिया ने ना सानू तफरी का जरिया बनाया, अपनी ऐश करने लिए सानू फसाया, इन्होंने ऐश की ते उड़ गए हरामी NRI, और अब हमारी बच्चे का सौदा कर रहे हैं। भरजाई जी बलवंतिया, कि तुसी मैनु माफ कर सकोगे? पाली ताया, आप अपने आप को क्यों दोषी ठहरा रहे हो? ये सब तो मेरे कर्मों का खेल है। पर मैं इन पुलरों को छोड़ूंगा नहीं, बेइंसाफी के खिलाफ बदला लेना हम पंजाबियों के खून में है, और मैं इनका कनाडा तक पीछा करूंगा और कनाडा की जेल में जाके इन दोनों को दफनाऊंगा वहां पर मैं। चल अब आप ना जल्दी चलिए जलंधर, उथे NRI दे महकमे च रिपोर्ट करके आने हैं, और उस तो बाद चलेंगे चंडीगढ़ विमेन कमीशन सेल में। अब मुझे भी इस जंग का हिस्सा बनना है, और मुझे भी जिले जिले और पिंड पिंड में जाके सारे पंचों को बताऊंगी इन NRIO के गंदे और क्रूर खेल का। बलवंतिया तो चलो इस इंसाफ के जंग की तैयारी शुरू करते हैं, मैं आना होने तोड़ को। हाँ चलो। बड़ा चंगा किया आके, और हुण तुसी दसो तुसी साडी किदां मदद कर सकते हो? जी ऐसे हालात में आपका फिक्रमंद होना वाजिब है, सत्यानाश कर दिया हम पंजाब का इन NRIO ने, किसको पता था जी ये पंजाब के अपने वीरां दे बेटियां ते भैणां नूं ऐसा सत्यानाश करेंगे, बर्बाद कर देंगे उनको। हम सब तो बर्बाद हो गए, ये हरामी NRI स्तंदर सब कुछ ले गया, जमीन जायदाद जेवर पैसे, हमको सब पता है जी ये क्या और कैसे करते हैं, और कितने हजार शरीफ खानदानों को तबाह कर चुके हैं, पर हमारे बोले पंजाबी इन NRIO की बातों में आ ही जाते हैं और अपनी बोली पर इन बेटियों का रिश्ता कर देते हैं, ना इनका आगे ना पीछे पता करते हैं, बस लड़कियों को तोड़ देते हैं इनके साथ। पर वो तो ठीक है जी, पर आप कैसे हमारी मदद कर सकते हो इसमें? आप फिक्र ना करो जी, हम आपकी हर तरह से मदद करेंगे। ये NRI ना पहले ही बोली पाली लड़कियों से डिवोर्स के कागज पर दस्तखत करवा लेते हैं, बड़ी पक्की तैयारी करके आते हैं ये। परमजीत जी, हमारी पंजाब सरकार या केंद्र सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बनाती इनको पकड़ने के लिए? हाल ही में केंद्रीय सरकार ने कानून बनाया है कि हर एक NRI लड़के की शादी को 48 घंटे में रजिस्टर करवाना होगा, नहीं तो उसका पासपोर्ट जब्त हो जाएगा। इसके अलावा जी एक और कानून बनाया है कि NRI पति जो समन का जवाब नहीं देते उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा और उन्हें फरार घोषित कर दिया जाएगा। तो शिकायत करनी चाहिए ना लोगों को, बजाय घर बैठे और अफसोस मनाने के बेटी को घर बिठा लो, इस तरह से नहीं करो, आप बाहर आओ सरकार की मदद करो, तभी तो सरकार कुछ कर सकती है आपके लिए। मैडम जी क्या मैं आपकी संस्था के साथ जुड़ सकती हूँ यहाँ खरौदी से? जी मैं तो बर्बाद हो गई, पर अब किसी और को बर्बाद नहीं होने दूंगी। तुम आज से शुरू कर दो हमारे साथ काम, हमारा एक सेंटर होशियारपुर में भी है,
तुम वहाँ जाकर एक हफ्ते की ट्रेनिंग ले लो और काम शुरू कर दो। बिल्कुल ठीक है जी। बेटा तू मंडे से ही शुरू कर, मैं ना इनको खुद लेके जाया करूंगा जी होशियारपुर। मैं भी आपके साथ और आपकी संस्था के साथ जुड़ना चाहती हूँ जी। मैं भी। आइए जुड़िए हमारे साथ, हम सब मिलके ये काम करेंगे। ठीक है जी, हम जरूर जुड़ेंगे जी आपके साथ। तो मैं हूँ चल रही हूँ जी। ठीक है जी, सत श्री अकाल। पंजाब में इस वक्त तकरीबन 60,000 से भी ज्यादा एनआरआई शादियों की शिकार लड़कियां हैं। ये लड़कियां और इनके परिवार बहुत दुख और मानसिक उत्पीड़न का शिकार बन गए हैं। कईयों के बच्चे भी हैं, कई लड़कियां तो खुदकुशी भी कर चुकी हैं। अब तो संभल जाओ मेरे पंजाब के वासियों, इन एनआरआईयों के विदेश ले जाने के लालसे में मत आओ, अपनी बेटियां बचाओ और सुख पाओ।